मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मुझे मालूम है आपके पास में वक्त नहीं है इस बेकार समय में, लेकिन आपको एक ध्यान से बात सुननी है। इंडिया एंड चाइना इज़ इन बायोकेमिकल वॉर, और हमको जो हमेशा मन था सारी भारतीय नारियों को और भारतीय लोगों को कि हमको सोल्जर जाना चाहिए, हमको सोल्जर बनना चाहिए, बॉर्डर पे जाना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये समय है देश के लिए कुछ करने का। और कुछ कैसे करने का? कुछ नहीं करके, कुछ भी नहीं करके, घर से बाहर नहीं निकलकर, अपने घर में रहकर हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको ये जंग जीतनी है जो चाइना और इंडिया के बीच में नहीं, चाइना और पूरे वर्ल्ड के बीच में लगी हुई है। ये जो आग है कोरोना वायरस की, उसको हम एक इंडिविजुअल तोड़ सकते हैं सिर्फ घर में बैठकर। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो पता नहीं जब आपके आसपास में कोई मरेगा या आपकी सोसाइटी में कोई डेथ होगी तब आपको समझ में आएगा। डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी बाय अननेसेसरली गेड़ी मार के, टाइम पास करके, नीचे उतर के, बाहर निकल कर देख के आते हैं क्या हो रहा है इस बंद में, इस लॉकडाउन में, सेल्फी लेके आते हैं, वीडियो बनाते हैं। डोंट डू दैट। घर के अंदर रहिए, परिवार वालों के साथ रहिए, घर में काम कीजिए, कुछ क्रिएट कीजिए, डांस कीजिए, नाचिए, गाइए, म्यूजिक लगाइए, कुछ भी कीजिए, अपने आप को ऑक्यूपाइड कीजिए, फिजिकली एक्टिव कीजिए, घर से काम कीजिए, लेकिन बाहर मत जाइए। अगर आप चाहते हैं कि भारत पूरे विश्व पर विजय पाए और एक बात साबित करके दिखाए कि हमारे यहाँ पर कोरोना का हमने पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया है, तो आप घर में बैठिए। वी आर इन स्टेज 3, डू नॉट मैस इट अप। अगर ये चीज़ आप के बाहर निकल गई, अगर ये जंगल की आग लग गई, तो फिर आप और हम रोक नहीं पाएंगे, और हर एक घर में एक एक मैयत होगी। जो सच है उसको सुनने की और जो सच है उसको करने की ताकत रखिए। आप भारतीय हैं, आप वॉरियर हैं, आप मत भूलिए आपके अंदर कितना खतरनाक डायनामिक खून है, उसको जागृत कीजिए। वी आर इन वॉर, वी नीड टू स्टे यूनाइटेड एंड फाइट इट फ्रॉम होम। विश यू बेस्ट डे।